हेलो हाय, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं ये सोमनाथ टेंपल। सोमनाथ में हम पहुंच गए हैं, सोमनाथ धाम में। सुबह सुबह 7:30 बजे होटल में हमारे रूम्स मिलना थोड़ा मुश्किल हुआ, पर हमें रिक्वेस्ट करके गुज्जू लोग बहुत ही अच्छे हैं, तो टेम्परेरी रूम मिल गया। हम फ्रेश होके आ गए, तो हमें टाइम मिल गया, तो हम द्वारका भी आ गए। 3.5 घंटे लगे हमें, तो हम 10 बजे से निकले थे और 3 बजे थोड़ा बीच में लंच किया, तो 3:30 बजे तक हम पहुंच गए थे। तो आते ही हम लोग नागेश्वर टेंपल गए, पहले लंबी लाइन थी उधर, और फिर हम उसके बाद फिर द्वारकाधीश मंदिर पे गए, तो बहुत बढ़िया रहा। तो ये फिर हम 10:00 बजे वापस आए, तो हमने सोचा कि थोड़ा डिनर कर लें बीच में, और पता नहीं रूम्स में अवेलेबल होंगे या नहीं। होटल में खाना वाना फिर लेट हो गया था काफ़ी, तो फिर हम होटल में, ये फाइनली हमारा बहुत बढ़िया होटल था, बहुत अच्छा लगा। तो सुबह तो टेम्परेरी रूम मिला था, अभी पर रूम्स देखते हैं कैसा होगा और नींद कैसे आने वाली है, क्योंकि कल सुबह हमें फिर सोमनाथ पूरा टूर लेना है, बहुत मंदिरों के दर्शन भी करने हैं, और फिर नेक्स्ट गिर के लिए भी रवाना होना था। 30th को और 31st को हमारी बुकिंग थी गिर फॉरेस्ट में, तो आप मेरे साथ चलिए, हमने दिखाया है आपको सब कुछ। द्वारका नगरी, सुबह सुबह फिर चलकर अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं मंदिर में। इधर नहीं हो, उधर। अरे बहुत लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन है तक पहुँचेंगे। पांच पांडवों की गुफा, जब पांडव यहाँ पे आए थे जंगल में रुकने के लिए, तब यहाँ पे रुके, हम इसी तरफ जा रहे हैं। ये पास ही सारे मंदिर इस लाइन में ही थे। उनका जल देते हैं, बहुत अच्छा होता है, अच्छे से दे दो और पापा के लिए ले लो थोड़ा सा। पावन था तो हमने सब नीचे जाते हैं। ये बल का तीर्थ है जहाँ पे कृष्ण जी की मतलब डेथ हुई थी। हमारे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, बस हमें फिर जल्दी से लंच करके, क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत हैवी कर लिया था, तो भूख इतनी जल्दी लगी भी नहीं थी, तो हम सोचे कि गिर उधर जाके बीच में रास्ते में कहीं पर लंच कर लेंगे। ये फिर मंदिर है, राम राम लिखना है सर। ये है त्रिवेणी संगम, बहुत सुंदर। अरे इधर नीचे भी जा रहे हैं लोग, तो ये गुफा है जहाँ पे पांडव आके, तो ये गुफा है, सब इसके अंदर जा रहे थे। कोई एक देवी माँ है, बोला गया था कि हमें कि पांडव यहाँ पे रुके हुए थे, तो मंदिर हाँ यही है, और राम मंदिर सोमनाथ में बहुत ही
भव्य दर्शन हुए हमें राम जी के, हर तरफ राम राम हर तरफ गूंज रहा था, क्योंकि 22 तारीख को राम लल्ला का ये था, इसीलिए। तो ये राम मंदिर के अंदर है, सब कुछ राम राम लिख रहे थे तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा लास्ट, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक्स्ट में लिख लिया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। तो सी यू अगेन, बाय बाय।